हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेकर के। तो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है जो हमने लिया है। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है? ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है किसी भी इक्वेशन का कि उसके सॉल्यूशंस को प्लाट करना, मतलब जितने भी एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे उन सारे सॉल्यूशंस को ग्राफ पे जब हम प्लाट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ग्राफ वो है, मतलब सारे सॉल्यूशंस को दिखाना ग्राफ पे। तो हम तो ये पढ़ चुके हैं कि x प्लस टू वाई इक्वल सिक्स, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब ये बताइए, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन को, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पे? इसलिए क्या करते हैं कि हम केवल दो ही सॉल्यूशन निकालते हैं या तीन निकालते हैं और फिर उनको ज्वाइन करके एक लाइन आगे पीछे बढ़ा देते हैं, तो वही रिप्रेजेंट करता है इसका स्ट्रेट लाइन। और चलिए तो पहले इसका प्लाट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी x बराबर 0 या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं, और उसके x जो भी पुट करेंगे उससे रिलेटेड y एक वैल्यू जरूर आएगा। एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं x और ये हो गया y। अब यहाँ पर जो है, चलिए तो लेट अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, 0 प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। हम उस इक्वेशन पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब कि 0 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये हमारा मिल गया एक सॉल्यूशन। x बराबर लेते हैं मान लीजिए 2, 1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 1 यदि मैं लूँगा तो ये डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि x जो है इधर 1 हो जाएगा तो राइट में जाएगा, तो 6 में से माइनस होकर के 5 हो जाएगा और y से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा जो कि 2.5 आ जाएगा, तो वो प्लाट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने x बराबर 2 ले लिया। तो x बराबर 2 पे हम जब लिखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ से मिल जाएगा 2y इक्वल टू 4 क्योंकि 2 से माइनस होगा। ओके, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। इसका मतलब कि जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 ही आ रहा है। ओके, अब लेते हैं x की वैल्यू 4, तो टेकिंग x इक्वल टू 4 क्या मिलेगा, 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, इट इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। इसका मतलब कि 4 पे आ रहा है इसकी वैल्यू 1, 4 की इसकी वैल्यू आ रही है 1। ओके, एक और वैल्यू ले लेते हैं, तो चौथा निकाल लेते हैं x बराबर 6 पे। तो यदि हम 6 रखते हैं तो क्या आएगा, 6 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, 2y इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 6 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो वी हैव कैलकुलेटेड 4 वैल्यूज, हमने 4 वैल्यूज निकाले हैं, 4 सॉल्यूशंस x y के एक साथ, है ना। तो ये जो 4 सॉल्यूशंस है इनको हम ग्राफ पे प्लाट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है। पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हैं, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्लाट करते हैं। ये पॉइंट है, ये मिल जाएगा। ओके, तो हमें मिल गया ये पॉइंट 0, 3, यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 2, 2, तो 2 हम लेंगे x एक्सिस पर जो कि ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर 2 लेंगे फिर y एक्सिस पर जो कि ये है यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से आते आते हैं यहाँ पे, और ये पर मिलेंगे तो यहाँ पे, मतलब ये वाली पॉइंट जो होगी ये 2, 2 होगा, 4, 1, तो 4 यहाँ पर है, 4 ये है और 1 जो है ये है, तो यहाँ पर मिलाएंगे इसको, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाकर मिल रहा है यहाँ पे और ये मिल रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4, 4, 1। ओके, तो यहाँ पर देते हैं हम लोग 4, 1 और ये होगा 2, 2। अब नेक्स्ट देखते हैं 6, 0, 6, 0 एक्सिस पर आएगा, तो ये आते आते जो है यहाँ पर ये 6 नहीं आएगा, तो ये होगा 6, 0, 6, 0। ओके, तो अब इनको हम मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब हम मिलाएंगे इसको तो क्या होगा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देख रहे हैं, ऐसे करके हमें
एक मिल जा रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है जो लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना। देखिए ये इस पॉइंट से भी जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है क्या है, ये पॉइंट जो है 8, -1 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाई करेगा गिवेन इक्वेशन को, ठीक है ना। मैंने जितने भी इस पे पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे गिवेन इक्वेशन को। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं लाइन पे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये सारे सॉल्यूशन हैं उसके, ठीक है। और ये इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन यदि हम इस लाइन के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ले लें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं ये, और ये ए है, या यहाँ पे ले लेते हैं बी है, या ये सी है, तो ये ए बी सी जो तीन पॉइंट्स मिले हैं ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसके इक्वेशन को, क्योंकि ये बिल्कुल ही ए बी सी अलग हैं। तो यहाँ पर ये भी समझना है, तो कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पे नहीं होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा, जो उस लाइन पे होगा वही केवल और केवल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लीनियर इक्वेशंस आप इन टू वेरिएबल्स को लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर ही होता है। मतलब लीनियर मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं। तो यदि वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक लाइन में लगे हुए हैं एकदम एक लीनियर लीनियर डायरेक्शन में, तो इनको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इसीलिए इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार और समझनी है इसमें कि जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी याद रखिएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ बनाते हैं और क्या क्या इसके मतलब रियल फैक्ट्स हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो बनाना आपको मतलब आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली पर्सनल गारंटी मेरी है कि मैं एक दिन के अंतराल पर ज़रूर बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।